अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी माले विली गिली में, मालदीव्स में हमारे साहब नसीम साहब जुड़ चुके हैं। नसीम साहब कुछ बोलिएगा। हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप साहब? ये हमारे भाई बड़ी फनी गाय हैं, एक नंबर के हैं भाई। और आप लोग के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं ये पूछो। कौन सा आइलैंड कहाँ कहाँ जाके आप लोग के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, माशाल्लाह। लेकिन जो भी काम है बहुत अच्छा होगा और अच्छे जॉब्स हैं यहाँ। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, 16 अप्रैल तक शायद डिले है, उसके बाद होगा काम। लेकिन काम इनका अच्छा है, मैं खुद ले जाकर मीटिंग में आया हूँ इनके साथ भाई। काम इनके पास बहुत है, 200-300 आदमी की ज़रूरत है। लेकिन 16 अप्रैल के बाद शायद काम चालू हो, मतलब काम बातचीत हो गया, सिर्फ 16 तारीख के बाद जो है वो सबमिट करेंगे पेपर। तो इंशाल्लाह अच्छा जॉब है, रिश्वत का जॉब है, हाउस कीपिंग है, क्लीनर है, सब कुछ है, बहुत अच्छा जॉब है। रिश्वत में तो जॉब एक बार लग गया तो उसका नसीब, बहुत अच्छा जॉब है यहाँ पे। और हाउस मेड वगैरह बहुत ढेर सारे हैं इनके पास, 200-300 आदमी है कि ज़रूरत है। लेकिन अभी ये कोरोना वायरस सबको खा गया है। ये ठीक, दुआ करो ये कोरोना वायरस जल्दी से ख़त्म हो जाए, सबके लिए भलाई है और हमारे लिए भी भलाई है भाई। ये लो बात करो। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिज़ॉर्ट का जो काम मैं सपना से आया था लेकर, वो सपना पूरा हो गया और इंशाल्लाह अब वो दिन इंतज़ार कर रहे हैं जो वीज़ा अप्लाई होगा। और आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए, हमारे चैनल से बने रहिए। और नसीम साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग दोनों आदमी को जितने आदमी आए तो जॉब लग जाए, बस यही हमारी उम्मीद है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हर देश में मैं इसलिए जाता हूँ कि आपको परफेक्ट एक सही जॉब मिल सके। और मैं वहाँ तक दौड़ता हूँ, वहाँ तक कोशिश करता हूँ, मैं इंसान हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ, देने वाला खुदा है और बस उसकी हाथ में है, दे या खेल बिगाड़ दे सब अल्लाह जानता है। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव में आप लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और ओपन वर्क परमिट को मैंने बताया कि ओपन वर्क परमिट कोई भी आ सकता है, सेल्समैन, स्टोर कीपर, सेल्स मैनेजर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, उसका सैलरी अच्छा रहेगा, 800 से लेके 1200, मतलब $1200 तक रहेगा, आराम से पैसा अच्छा कमाएगा। लेकिन वही एक ओपन वर्क परमिट पर 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। तो अगर आप उस जॉब के लिए आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो ईमेल आईडी दिया रहेगा अपना डॉक्यूमेंट सबसे पहले भेजेंगे और वहाँ से कंपनी से हम आपको इंटरव्यू करा के फिर सारी चीज़, जब पासपोर्ट सबमिट करना होगा ऑफिस पे तो हम आपको बोल देंगे ऑफिस पे सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करें और काम जाने तो फिर आए। यहाँ पे वही लड़का, हाँ एक मेरे दोस्तों एक चीज़ याद रखो, काम जो जिस फील्ड में आप आएंगे ना वो काम की जानकारी होना चाहिए। अगर काम नहीं आएगा तो आप लोग को रिटर्न भेज देंगे, उसमें हमारी गलती नहीं रहेगी। केसियर एक बुलाए थे $650 पे, वो बोला एक महीना तक नहीं रुका, वो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बुला रही है, मुझे जाना है, वो नहीं भेज रहा था, बोला मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तो वो लोग भैया जल्दी से भेज दिए। ये ऐसे लोग हैं, गर्लफ्रेंड बुला रहे तो फिर इधर आया काहे को भाई, गर्लफ्रेंड का नंबर दे दूसरों को बात करने के लिए, थोड़ा उसको भी आराम रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे आदमी लेकिन नहीं चाहिए भाई, जो काम करने वाला हो मेहनत करे, क्योंकि मेहनत करेगा जब भी उसको फल मिलेगा। थोड़ा सा तकलीफ होता है, कोई भी आदमी कहीं भी पूरे दुनिया में नया आदमी जाएगा थोड़ा सा तो बैड फील करेगा ही, थोड़ा सा इतना आज़ादी है। लेकिन यहाँ पे तो इतनी आज़ादी है ना, अपने इंडिया से भी ज़्यादा आज़ादी है। अब यहाँ पे कोई डर नहीं, ना किसी चीज़ का भेदभाव, कुछ नहीं, जो मर्जी में आए जो करो, लेकिन काम अपनी ईमानदारी से करो, मेहनत करो, उसका फल आपको मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, काम की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू। बस वही कहूँगा कि कोई भी लड़का आए मेहनत करे और इंशाल्लाह जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। हम हो या दुनिया के कोई भी शख्स हो, जो मेहनत करेगा खुदा उसको देगा, ज़रूर देगा इंशाल्लाह। बस मैं यही कहता हूँ। और हमारे चैनल के से बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अब आपका भाई विदा लेता है, दुआ में याद रखिए। और ये हमारे नसीम साहब भी आपको आखिरी समय, ठीक है अब चलते हैं भाई। हम यहाँ 18 साल से रहते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं आई, 18 ईयर्स